Hi everyone, welcome to our channel Let's Get Bored. This is Heenal and I am Veenal. ये हमने चैनल सारे बोर्ड गेम लवर्स के लिए शुरू किया है. इस चैनल पे आपको अलग और नए तरह के बोर्ड गेम सीखने को मिलेंगे. आज जो हम गेम लेके आए हैं उसका नाम है अजुल. ये गेम 2 से 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं और इस गेम को खेलने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 30 से 45 मिनट लग सकते हैं और इस गेम को खेलने के लिए आपकी उम्र 8 से ज़्यादा होनी चाहिए. तो इस गेम में देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा. पहले एक रूल बुक, 4 प्लेइंग बोर्ड्स, एक पोटली, 5 डिज़ाइन के टाइल्स, हर एक डिज़ाइन के 20 पीसेस है, नाइन फैक्ट्री डिस्प्ले, एक स्टार्टिंग प्लेयर मार्कर जिसपे 1 लिखा है और 4 स्कोरिंग मार्कर. 2 प्लेयर में हमें 2 बोर्ड्स की जरूरत है. बोर्ड पे यहाँ स्कोरिंग ट्रैकर है, यहाँ पैटर्न लाइन, इसे पोर्चुगल वॉल कहते हैं, और ये फ्लोर लाइन. ये बोनस डिस्प्ले है जिसे हम एंड में आपको बताएंगे. 2 प्लेयर के लिए 5 फैक्ट्री डिस्प्ले यूज करना है, 3 प्लेयर में 7 और 4 प्लेयर में 9. ये सिंगल स्टार्टिंग प्लेयर मार्कर इसे सेंटर में रखना है फर्स्ट राउंड में. ये स्कोरिंग ट्रैकर 0 पे प्लेस करना है. इस पोटली में हमने सारी टाइल्स मिक्स कर दी है. ओके, सो स्टार्ट करने के लिए हमें पोटली में से 4-4 टाइल ऐसे रैंडमली हर एक फैक्ट्री डिस्प्ले पे रखनी है और इस गेम में मल्टीपल राउंड्स रहेंगे. तो पहले राउंड में शुरू जो भी प्लेयर शुरू करेगा वो आप आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्लेयर को पहले शुरू करना है, और जो भी प्लेयर शुरू करेगा उसको ये स्कोरिंग ट्रैक जो ये फर्स्ट प्लेयर मार्कर है वो अपने फ्लोर लाइन पर रखना है, विच इज -1. ये जो पहला वाला है यहाँ पे रखना है. ओके, बिकॉज ये मैंने लिया है तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी ये गेम. सो स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी फैक्ट्री डिस्प्ले से कोई भी एक कलर एक डिजाइन की आप टाइल उठा सकते हो और जितनी भी है वो सारी उठानी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये 2 ब्लैक उठाई है और मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दी है और ये जो बची हुई टाइल्स है वो बीच में आ जाती है जो एक कॉमन पाइल बनेगा जहां से भी प्लेयर्स उठा सकते हैं बाद में. अब वीरल अपने टाइल्स उठाएंगे अपनी चॉइस के. अभी मुझे यहाँ से एक सिंगल रेड टाइल लेनी है तो यहाँ पे मैं ये प्लेस करूंगी और ये तीनों रिमेनिंग टाइल्स इसे सेंटर में रख दूंगी. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक राउंड के अंदर आपको एक सेम डिजाइन की टाइल आप मल्टीपल जगह पे नहीं रख सकते. तो जैसे कि मैंने ये ब्लैक उठाई है और इसको एक के लिए रख दिया तो वो भी मैं कर सकती हूँ और बाकी की टाइल जैसे मैंने बोला वो बीच में आ जाएगी. अभी मुझे यहाँ सेंटर से ये 3 येलो टाइल्स उठानी है तो मैंने ये 3 येलो टाइल्स उठा दी, पर मुझे ये यहाँ नीचे रखनी है तो हम यहाँ नीचे भी रख सकते हैं. ये इनकम्प्लीट रहेगा पर हम बाद में इसे कम्प्लीट कर सकते हैं. ओके, सो आई गो एंड पिक अप ब्लू टाइल्स. मैंने यहाँ से ये 2 उठा लिए ताकि मेरा ये लाइन कंप्लीट हो सके. ओके, सो अभी मैं ये 2 उठा लेती हूँ, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ. यहाँ से मैंने एक रेड टाइल ली और यहाँ सेकेंड रो पे रख दिया. ओके, ये 2 ब्लू उठा लेती हूँ. मैंने एक रेड वापस ले लिया यहाँ कंप्लीट करने के लिए. जब भी टाइल रखे याद रखे कि उसको राइट से लेफ्ट में रखनी है, नहीं कि लेफ्ट टू राइट. जैसे मैंने ये 2 रखी है. अभी मैं ये उठाती हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो मेरे पास कहीं भी जगह नहीं है जहाँ पे मैं ये रख सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे यही कलर के या यही डिज़ाइन के मैं टाइल्स रख सकती हूँ. तो इसको मुझे रखना पड़ेगा फ्लोर लाइन में. और ये 1 मुझे लेके मैं कहीं पे भी रख सकती हूँ, पर ये मेरी रो इनकम्प्लीट रहेगी. ओके,
जैसे ही ये सारे टाइल्स जो फैक्ट्री डिस्प्ले पे हमने रखे थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, वो राउंड खत्म होता है और उसके बाद उस राउंड का स्कोरिंग शुरू करना होता है। स्कोरिंग शुरू करने के लिए जैसे ये टाइल है, ये जो बॉक्स है वो कंप्लीट है, ये वाला रो, तो उसको हम यहाँ पे ड्रैग करके रख देंगे और उसका हमें मिलेगा एक पॉइंट। तो ये स्कोरर जो है वो एक पॉइंट पे आ जाएगा। ये वाला भी रो कंप्लीट है, उसको भी हम लेके जाएंगे तो उसका भी हुआ एक पॉइंट, तो उसका हो गया एक पॉइंट ऐड। ये जो है ये आपके बॉक्स पे रख दीजिए, नहीं कि पोटली में। पोटली वाली जो टाइल्स है वो वैसी ही रखिए जो अपन नेक्स्ट टाइम जो हमें नेक्स्ट राउंड के लिए यूज होगी। ये वाला भी रो कंप्लीट है तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया और वो हो गया एक पॉइंट। ये दो जो है वो बाहर निकल जाएगी। बाकी बची जो दो है वो लाइन कंप्लीट नहीं है तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे। फ्लोर लाइन पे मेरे पास दो टाइल्स है जहाँ पे ये माइनस वन और ये माइनस वन लिखा है, मतलब मेरे को माइनस टू मिलेंगे। उसको भी हम जो स्कोर मार्क फर्स्ट प्लेयर मार्कर है उसको बीच में ले लेंगे और जो बाकी की टाइल है वो बैक टू द बॉक्स चली जाएगी। और मुझे माइनस टू करना है तो मेरा फाइनल स्कोर इस राउंड के लिए है वन। मेरा स्कोर करेंगे, ये रेड कंप्लीट है तो यहाँ पे ले लिया प्लस वन, ये भी रेड कंप्लीट है तो प्लस वन, ये कंप्लीट नहीं है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, ये रेड उसको बॉक्स में डाल देंगे, ये कंप्लीट है तो इसे ड्रैग करके यहाँ रखेंगे, इसका भी प्लस वन और ये सारी एक्स्ट्रा बॉक्स में डालेंगे। मेरे पास कोई माइनस स्कोरिंग नहीं है तो मेरा कुछ माइनस स्कोरिंग नहीं होगा, तो मेरा फाइनल स्कोर फॉर दिस राउंड इज प्लस थ्री। ओके, सो ऐसे ही हमें मल्टीपल राउंड्स खेलते रहना है जब तक किसी भी एक प्लेयर का एक पूरा रो कंप्लीट नहीं हो जाता है। एक या ज़्यादा हो सकता है बट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मेरा इस गेम में ये कंप्लीट हो चुका है एक रो, इसीलिए ये गेम यहाँ पे ही एंड हो जाता है और इसके बाद हमें बोनस स्कोरिंग करना होगा। अभी इस टाइम पे मेरा स्कोर है 20 और विनल का स्कोर है 31। ओके, सो अब विनल एक्सप्लेन करेगी इसका बोनस स्कोरिंग कैसे करना है। अभी बोनस स्कोरिंग में मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आपको पता चलेगा बोनस स्कोरिंग कैसे करना है। अभी मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल मतलब ये एक कॉलम कंप्लीट है, तो यहाँ आप देखेंगे एक कॉलम कंप्लीट होने के 7 पॉइंट्स ऐड होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपके मल्टीपल कॉलम्स कंप्लीट है तो आप मल्टीपल टाइम 7 ऐड कर सकते हैं। दूसरा बोनस ये है कि मेरी एक तरह की टाइल जो 5 होती है यहाँ पे सारी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक तरह की जो 5 टाइल कंप्लीट होती है उसके प्लस 10 मार्क्स 10 स्कोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मेरा बोनस स्कोरिंग है। अगर आपके मल्टीपल कलर के टाइल्स कंप्लीट है, मतलब अगर ब्लू भी आपका कंप्लीट है या रेड कंप्लीट है, तो आप मल्टीपल बोनस स्कोरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मेरा एक रो कंप्लीटेड है तो एक रो कंप्लीट करने के लिए प्लस 2 पॉइंट्स मिलते हैं, तो मेरा स्कोर हो जाएगा 22। सो इस प्रकार से इस गेम में आज विनल सॉरी मेरे पास एक कॉलम जो है, एक वर्टिकल लाइन जो है वो भी मेरा कंप्लीटेड है, सो प्लस 7 भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। सो मेरा फाइनल स्कोर है 29, वेयर इज विनल का स्कोर है 48। सो इस गेम में आज की विनर है विनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी द फर्स्ट वन टू वॉच आवर वीडियो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इस गेम के बारे में या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई भी दे देंगे। और अगर कोई नया गेम है जिसके आपको ट्यूटोरियल चाहिए या कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका भी हम वीडियो बनाएं। थैंक यू गाइस।